सिविल स्टैप के इस बेहतरीन मंच पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करता हूं आज हर रोज की तरह दोस्तों आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। तो भाई जो जो विद्यार्थी आ रहे हैं, सूरज गुलेरिया हो भाई, इसके अलावा चाहे वो संतोष हो या फिर जो है सपना ठाकुर हो, सभी जो विद्यार्थी साथ साथ हैं सभी को गुड इवनिंग। सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथियों के साथ और दोस्तों इसे अगर आपको अच्छा लगता है साथ साथ लाइक भी जरूर कर दें, जिसके आजकल मैं देखता हूं काफी कमी या काफी कंजूसी जो है आप उसमें बरत रहे हैं। तो शुरू करते हैं सेशन भाई आज के मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन है दोस्तों, कभी कभी हमारी इंटेंशंस अच्छी रहती हैं लेकिन भाई अप्रोच या फिर हमारे तरीके भाई या फिर अनअवेयरनेस कह लीजिए, हमारी टेक्निक्स गलत होने के कारण दोस्तों हमारी जिंदगी में नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मतलब पढ़ना है, नौकरी लगना है लेकिन तरीका नहीं पता। तो भाई अपने माता पिता या जो अपने गुरु, अपना जो टीचर्स, उनके साथ हमेशा कॉन्टेक्ट बना के रखें ताकि वो आपको सही से हमेशा गाइड करते रहें। तो दोस्तों इस मोटिवेशन के साथ शुरू करेंगे आज का सेशन। और दोस्तों सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री साहब की। तो अभी रिसेंटली ही बजट पेश किया और दोस्तों कल क्योंकि हमारा वर्ल्ड इंटरनेशनली फॉरेस्ट डे था तो उस मौके पर दोस्तों इन्होंने एक स्कीम जो है लॉन्च की है और उसका जो नाम रखा है हटेगी फुलनू लौटेगी चारगा। तो ये जो स्कीम है दोस्तों इसका पर्पस है कि जो फॉरेस्ट फायर है, जो जंगलों में आग लग जाया करती है, उसको जो है उससे दोस्तों प्रोटेक्ट करना है, उससे हमारे खेत खलिहान जंगलों को बचाना इसका पर्पस है। क्योंकि गर्मी शुरू होते ही इस तरह की फॉरेस्ट फायर्स की खबरें आमतौर पर सुनने को मिलती हैं। तो ये फॉरेस्ट वेल्थ इंक्लूडिंग फौना एंड फ्लोरा, सभी तरह की जो बायोडाइवर्सिटी है इसको बचाना इसका पर्पस है। और इसका नाम याद रखें हटेगी फुलना लौटेगी चारगा, इसको नाम दिया गया है। और ये अंतरराष्ट्रीय जो फॉरेस्ट डे है उस स्तर पर दोस्तों उस उपलक्ष में इसको इस स्कीम को इस पॉलिसी को लेकर आई है हिमाचल गवर्नमेंट। दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बात करूं तो जो पूरी दुनिया भर में 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, इस बार इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। थीम बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखें जैसे आज इंटरनेशनल वाटर डे है, जिन जिन विद्यार्थियों को इसका थीम पता है भाई लिख के जल्दी से मुझे आप बता दें। और दोस्तों पर्पस आप समझ सकते हैं कि भाई जो फॉरेस्ट और ट्रीज की दोस्तों ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जो इंपॉर्टेंस है, हमारे एनवायरनमेंट हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंस है, उसको लोगों तक पहुंचाना। 1971 में दोस्तों ये जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जो है रोम इटली में है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर मैं भारत के संदर्भ में देखूं तो भारत का दोस्तों टोटल जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया है भाई इसको मैं थोड़ा तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, हाँ जी भारत का जो टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो 80.9 मिलियन है, जो भारत की टोटल जो लैंड है उसका लगभग 24.62%, लगभग 24.5% है। और दोस्तों 2011 में यूनाइटेड नेशन ने जो है दोस्तों ये 2011 से 2020 इस पूरे डेकेड को, इस पूरे 10 वर्ष को इंटरनेशनल डेकेड ऑफ फॉरेस्ट भी अनाउंस कर रखा है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में दोस्तों, उसके जो नेगेटिव प्रभाव दिखने शुरू हुए हैं, तो हमें अभी से इसकी कंजर्वेशन को लेकर भारी कदम उठाने पड़ेंगे। तो भाई इसको मैं थोड़ा सेट भी कर लेता हूं, ठीक है। मैं जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और भाई थीम भी आपको मैं बता चुका हूं जल्दी से ताकि भाई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं जो यहां पर हमें लिखने की जरूरत पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो दोस्तों इसको जो है रिसेंटली यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है वो जारी किया गया और बड़े शर्म की बात कह लीजिए, टोटल 146 कंट्रीज थे और 146 कंट्रीज में दोस्तों भारत का जो रैंक है वो नीचे, काफी नीचे, मतलब 126वां जो रैंक है वो भारत का आया है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था दोस्तों, इस इंडेक्स में जो टॉप किया है वो फिनलैंड ने किया है। भाई रंग 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 नहीं आया, हाँ जी रंग के बिना क्या है, रंग के बिना कुछ नहीं है। हाँ जी अब ठीक है, तो रंग आ चुका है और भाई फिनलैंड है नंबर वन, दूसरे पे डेनमार्क है और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, लेबनन और सायरा लियोन है। ये सायरा लियोन भाई, ये सनी लियोन कई बार स्टूडेंट्स गलती से बोल देते हैं,
तो भारत का जो रैंक 126वां है और ये 146 कंट्रीज में दोस्तों भूटान को रैंकिंग नहीं दी गई। और ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाया करता है कि रैंकिंग के अलावा इस तरह का ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये जारी किसने की है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने दोस्तों इन कुछ पैरामीटर्स पर, ये टोटल 6 हैं जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, GDP पर कैपिटा की बात करें, सोशल सपोर्ट की बात करें, लो करप्शन की बात करें, जेनरिसिटी इन कम्युनिटी की बात करें, या फिर फ्रीडम टू मेक की लाइफ डिसीजन, तो इन 6 पैरामीटर्स पर बेस्ड ये हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है वो जारी की गई। तो नंबर 1 कौन, लास्ट में कौन, भारत का रैंक क्या है, और साथ ही साथ लास्ट में इसको रिलीज किसने किया है, ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा दोस्तों यहां पर जो है, हाँ जी ऑलरेडी दोस्तों ये जिसने लॉन्च की थी, जिस संस्था ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसकी स्थापना 2012 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल द्वारा जो है की गई थी, ताकि ये जो समस्याएं हैं दोस्तों जो आ रही हैं, जिसमें कि किसी भी जो पैरामीटर्स किसी देश के अगर नीचे जा रहे हैं, उनके टेक्निकल और ग्लोबल साइंटिफिक जो रीजंस ढूंढकर उनके जो है दोस्तों उनको सही करने की तरफ जाया जा सके। फिर उसके बाद भी एक रिपोर्ट का ही प्रश्न है, और इस रिपोर्ट का नाम है इंटर गवर्नमेंट पैनल, इसको भाई थोड़ा साइड में कर देता हूं अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा, ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये बात क्लियर है दोस्तों, ये विश्वव्यापी कई सारी सरकारों कई सारी देशों पर आधारित क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। तो यहां पर आपको एक बात तो जो है क्लियर हो गई दोस्तों, ये रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है उसका दोस्तों कौन सा वह साइकिल है, उसका 6th असेसमेंट साइकिल है, और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों पब्लिश ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, तो पिछले 5 वर्षों से जो है पब्लिश होती आ रही है। पर्पज क्या है कि जो पॉलिसी मेकर हैं भाई, किसी भी देश के हो सकते हैं, भारत, अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हो सकती हैं, कि दोस्तों वो अपनी पॉलिसीज किस तरह से वो प्रोग्राम करें ताकि फ्यूचर में जो एनवायरनमेंट के हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं, भाई मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, ओजोन लेयर इतना कुछ खराब हो चुका है, तो उनको अब दोबारा से कंजर्व प्रोटेक्ट कैसे करें। तो ये जो रिपोर्ट है IPCC, मैं रिपीट कर दूं दोस्तों, इसका नाम महत्वपूर्ण है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाने में उन्हें सहायता मिलती है। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, फाइंडिंग ये की गई कि जो 1850 से 1900 का जो टाइम पीरियड था, मतलब ये 50 वर्ष का टाइम दोस्तों, ग्लोबली जो दुनिया भर का जो टेम्परेचर था वो 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, और लॉसेस एंड डैमेजेस विल डिसएप्रोप्रिएट अफेक्ट द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। अब क्योंकि भाई कई सारे पॉपुलेटेड कंट्रीज, चाइना है, भारत है, ठीक है, इसके अलावा कई सारे दोस्तों इंडोनेशिया, एशिया के बड़े सारे कंट्रीज जो है इससे अफेक्ट हुए हैं, पर्टिकुलरली दोस्तों अफ्रीका में और लीस्ट डेवलपिंग नेशंस में, जहां पर पावर्टी का स्तर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है स्तर जो है, मतलब पावर्टी बहुत बड़े स्तर पर है, तो अफ्रीका और एशियन कुछ नेशंस में ये बढ़ चढ़कर है। और भाई इसने जो है कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं इस रिपोर्ट ने, रिपोर्ट में कहा गया कि भाई हमें जल्दी से भाई मस्ट रैपिडली शिफ्ट अवे फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, तो ये जो पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, तो जिससे कि पर्यावरण में लगातार जो है बड़ा गिरावट आ रही है, तो उनसे जितना जल्दी हो सके नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। और भी डीप एमिशन, मतलब जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो पर्यावरण के लिए खराब हैं, उनको भी बहुत जल्दी से हमें उनसे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये सारी रिकमेंडेशंस IPCC की जो रिपोर्ट द्वारा जो है वो कही गई हैं। फिर भाई ये जो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में थोड़ा सा जो है हम जान लें दोस्तों, ये 1988 में इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा, UNEP। ये जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और दोस्तों पर्पज है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हर स्तर पर और हर गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा सके कि पर्यावरण का जो स्तर या उसको बेटर करने की क्या क्या उपाय हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों भारत भी इसका मेंबर है, और इसके टोटल मेंबर्स की जो संख्या है वो 195 है जी। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो न्यूज है, बड़ा ही साइंटिफिक न्यूज है, उससे पहले हम जान लें दोस्तों एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम, हाँ जी, तो एंजाइम है दोस्तों इज ए बायोमोलिक्यूल जो कि भाई एक तरह से कैटालिस्ट का काम करते हैं, दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन, तो जो इन बायोकेमिकल रिएक्शन की जो स्पीड को फास्ट कर देते हैं उन्हें हम आमतौर पर एंजाइम बोल देते हैं। और दोस्तों रिसेंटली एक नया एंजाइम लकासे भाई इसको जनरेट किया है बाय द ग्रुप ऑफ फंगी जो कि रिसेंटली दोस्तों जो है फाउंड हुआ है कैपेबल ऑफ डीग्रेडिंग ए वैरायटी ऑफ
हैजर्डस ऑर्गेनिक डाई मॉलिक्यूल्स, और ये रेगुलरली दोस्तों वाटर बॉडी से ड्रेन हो सकता है आफ्टर ड्राइंग क्लोथ्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिससे कि भविष्य में दोस्तों ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है और कई सारे जो बदलाव हैं या उसमें और ज्यादा आसानी जो है टेक्सटाइल को बनाने में, मशीन्स को बनाने में वो हो सकती है। तो दे आर क्लासिफाइड एंड बेंजोडाइल ऑक्सीजन रिडक्टेसेस एंड आर आल्सो नोन एज यूरोहाइसल ऑक्सीडेसेस एंड पी डाइफेनल ऑक्सीडेस। तो ये काफी थोड़ी मुश्किल या मतलब मुझे ये बोलते बोलते मेरी जब मैं बीएससी दोस्तों मैंने की है तो मुझे जब ऑर्गेनिक हिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे तो वो याद आ गई, ठीक है। तो बड़े छोड़े हुए दिन हो गए तो बड़े अब मुश्किल से नाम लग रहे हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे। और दोस्तों इट इज नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू डीग्रेड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको इस एंजाइम के बारे में बेसिक पता होना चाहिए और ये जो नया एंजाइम है दोस्तों जिसका नाम लकासे है, इसका पर्पज जो है आपको वो पता होना चाहिए। फिर इसके बाद वर्ल्ड स्पैरो डे पूरी दुनिया भर में जो है 20 मार्च को दोस्तों ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार इसका थीम था आई लव स्पैरो। पर्पज क्या है भाई, इनकी जो गिनती, इनकी जो आबादी लगातार कम हो रही है दोस्तों, उसकी प्रोटेक्शन, उसको कंजर्वेशन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 2010 से इसकी शुरुआत जो है की गई थी दोस्तों, और ये जो ज्वाइंट इनिशिएटिव है नेचर फॉरएवर सोसाइटी का भाई एक एनजीओ है जिसकी शुरुआत जो है वो की थी मोहम्मद दिलवारा साहब ने अलोंग विद अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप खुद ही देख लीजिए, स्पैरो चिड़िया जब आज से 15-20 साल पहले तक अपने आसपास, खासतौर में चंडीगढ़ की बात करूं तो भाई कितनी जो है चहचहाती दोस्तों जो है आवाजें आया करती थी सुबह, अब आजकल वो आवाजें आनी बिल्कुल बंद हो गई हैं। तो ये बात करते करते मुझे एक रोबोट नाम की मूवी आई थी अक्षय कुमार की, वो भी दोस्तों इन्हीं के ऊपर थी कि किस तरह से ये रेडिएशन के बढ़ते जाल से पक्षियों का जो चिड़िया है उनकी जो है मृत्यु हो रही है, लगातार आबादी कम हो रही है और मुझे लगता है अब तो कम भी नहीं, देखने को ही नहीं मिलती। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट बिल्कुल गांव में रहते हो उनके लिए तो शायद ये बड़ी बात या उनको तो आश्चर्य नहीं हो रहा होगा क्योंकि उनको अभी भी ये आवाजें सुनाई दे जाती होंगी, लेकिन शहर में तो ये बिल्कुल ही अलोप हो चुके हैं। तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दोस्तों आगे हम बात करेंगे नमामि गंगा प्रोग्राम की। ये नमामि गंगा प्रोग्राम आप सभी को पता है जो कि गंगा की सफाई से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट ऑन नारायणी रिवर इन गोपालगंज, तो दोस्तों ये जो नारायणी रिवर है जो गोपालगंज में नमामि प्रोग्राम के तहत गंगा की सफाई के दौरान इसकी भी जो डेवलपमेंट है वो की जाएगी। मैं सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों एक रिवर है बिहार में गंडक, और ये जो गंडक है इसी को जो है भाई गंडकी एंड नेपाल में इसको नारायणी कहा जाता है, गंडक रिवर को ही। और अभी नमामि गंगा प्रोग्राम जिसकी शुरुआत 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री होते हुए की थी दोस्तों कि गंगा का जो सफाई है उसको जो है अलग अलग फेसेस में करना है, तो उसी के तहत बिहार में ये जो गंडक रिवर है दोस्तों इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोपालगंज, इसके अंदर कई सारे टू घाट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। घाट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, साफ सफाई होती है और भाई जो टूरिस्ट का जो एक प्लेस भी बनता है जिससे बड़े सारे लोगों को फायदा मिलता है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड जो बिहार में है दोस्तों वो जो है गंडक के किनारे पर ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये भी साथ साथ जरूर याद रखें। और भाई इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं गंडक रिवर की दोस्तों वो जो है मैनगढ़ी, बारी, त्रिशूली, पंचड, सरहद, बूढ़ी गंडक, सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कभी कभार एग्जाम में सीधा या इनडायरेक्टली तौर पे इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जी, एक आपको तस्वीर जो है वो डांसर की दिख रही है और एक आपको जो तस्वीर है वो सिंगिंग की दिख रही है। तो दोस्तों ये जो दो तस्वीरें हैं इनमें से एक तस्वीर है बॉम्बे जयश्री की और जो दूसरी तस्वीर है फिर मुश्किल नाम है दोस्तों वसंत लक्ष्मी नर सिम्हाचारी, साउथ इंडियन नाम है। तो भाई ये जो कार्नेटिक वोकलिस्ट दोस्तों ये कन्नड़ जो शास्त्रीय संगीत है तो भाई उसकी जो एक्सपर्ट कह सकते हैं हम बॉम्बे जयश्री, उनको जो है उनकी भाई कला के पर्पज से, उनकी जो आज तक की अचीवमेंट के पर्पज से उन्हें जो अवार्ड मिला है संगीता कला निधि अवार्ड दिया गया है। और दूसरी तरफ जो वसंत लक्ष्मी है इनको जो है नृत्य कला निधि अवार्ड जो है दिया गया है। तो ये दोनों अवार्ड बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों अवार्ड दोस्तों मद्रास म्यूजिक अकेडमी द्वारा जो है वो द्वारा दिए गए हैं। मद्रास म्यूजिक अकेडमी की शुरुआत भी बड़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि 1927 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन हुआ था दोस्तों तब उस समय पर जो है इस अकेडमी की शुरुआत की गई थी और इस अकेडमी द्वारा दिए जाए और भी कई सारे जो अवार्ड हैं दोस्तों, नृत्य कला निधि, संगीत कलाचार्य, म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर द ईयर,
और कई सारे जो अवार्ड हैं इस एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया के बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। फिर दोस्तों वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है वो पूरी दुनिया भर में 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका जो थीम है दैट इज विद अस नॉट फॉर अस, ताकि पब्लिक अवेयरनेस में दोस्तों उसकी जो जेनेटिक कंडीशन है उस मरीज की पेशेंट की वो बताई जा सके समझी जा सके इस पर्पज से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की, भाई काफी बड़ी लिस्ट आप देख रहे हैं, इन्होंने दोस्तों बजट सेशन में एक सरप्राइज दे दिया हिमाचल के जो हिमाचल बोल दिया मैंने राजस्थान के लोगों को, 19 नए डिस्ट्रिक्ट और 3 नई डिविजन की क्रिएशन कर दी। अब इनके सभी के नाम जो है भाई यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो भाई 19 नए डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर बनाए हैं और इसके साथ ही वहां पर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट की जो गिनती है वो 50 हो चुकी है और डिविजन की जो गिनती है वो 10 हो चुकी है। दोस्तों भारत में वैसे सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी में है 75 और सबसे कम जो डिस्ट्रिक्ट है वो 2 जो है वो कहां पर है वो गोवा में है। रिसेंटली हमने मध्य प्रदेश में भी पढ़ा था कि वहां पर भी टोटल जो संख्या है वो जो दोस्तों वो 50 जो है हो चुके हैं मध्य प्रदेश में भी। इसके अलावा G20 की अलग अलग मीटिंग दोस्तों लेबर से जुड़ी ये जो मीटिंग है रिसेंटली ही जो अमृतसर में पंजाब में दोस्तों रिसेंटली उसको होस्ट किया गया और पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, और दूसरा दोस्तों अफ्रीकन नेशन है बुरुंडी, इसको रिसेंटली ही पहला पोलियो आउटब्रेक मतलब पिछले 30 साल में अभी तक यहां पर केस नहीं आया था, 30 साल के बाद यहां पर जो है एक केस जो है वो पोलियो से जुड़ा हुआ आया, जिस वजह से ये जो देश है वो चर्चा का जो है केंद्र बना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज। अब इसके बाद जो है अब हम MCQs जो है शुरू करेंगे। भाई यहां पर जल्दी से बता दें आपको जो क्वेश्चन समझाए हैं वो समझ आए भी हैं नहीं आए हैं, या अगर कोई डाउट आपको लग रहा है तो वो भी साथ साथ मेरे से पूछ सकते हैं जी। और दोस्तों साथ ही साथ सेशन को शेयर और लाइक साथ साथ जरूर कर दें ताकि हर वो विद्यार्थी भाई जो पढ़ना चाहता है वो हमसे जुड़ सके और इसको जोर मतलब जो मैंने जोर से बोल दिया जल्दी से जल्दी जो है और ज्यादा से ज्यादा है शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों MCQs की तरफ बढ़ेंगे और पहला MCQs है दोस्तों हटेगी फुल्लू लौटेगी चारागाह, इसका पर्पस क्या है, हिमाचल सरकार ने दोस्तों इसकी जो शुरुआत की है, सही उत्तर जो है इसका फॉरेस्ट फायर्स को जो है कंट्रोल करना इसका मेन पर्पस है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसको हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा रिलीज की गई और सिंथेसिस रिपोर्ट IPCC की दोस्तों ये 5वीं असेसमेंट साइकिल है जिसको कि रिसेंटली जो है वो रिलीज किया गया। तो यहां पर आप बताएं करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा या सारे ही करेक्ट हैं, तो जल्दी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। भाई कुछ जो विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं और इसके दोस्तों सही उत्तर की तरफ जाएं तो ए है पहला दूसरा बिल्कुल ठीक, तीसरा गलत है क्योंकि दोस्तों IPCC की ये जो असेसमेंट साइकिल जो रिपोर्ट है वो 6ठी जो रिपोर्ट थी जो है इस बार IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 6ठा जो है रिपोर्ट आया था और भाई इसमें कई सारी जो वार्निंग्स के साथ साथ जो है वो सजेशंस जो है प्रिकॉशंस भी रखने को कही गई है बात। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वो है फॉरेस्ट एंड फूड, नॉर्वे ने टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में और इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP ने जो है वो क्रिएट किया है डेवलप किया है। तो यहां पर बताएंगे करेक्ट क्या है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, सिर्फ तीसरा या सारे ही करेक्ट हैं, तो जल्दी से आप जो है इसका उत्तर दे सकते हैं और इसका जो सही उत्तर वो सी है, सिर्फ तीसरा ठीक, पहले दोनों गलत। दोस्तों सबसे पहले हम जो है बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो टॉप है वो नॉर्वे ने नहीं किया, वो टॉप है दोस्तों हम थोड़ा आगे ऊपर चले जाते हैं वो फिनलैंड ने किया है। भाई थोड़ा मैं भी यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे का जो थीम था वो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ इज द थीम, और जब मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ टॉप करने की बात कर रहा हूँ दोस्तों तो टॉप जो है फिनलैंड ने किया था। तो फिनलैंड की हमने कल भी एक न्यूज पढ़ी थी अगर आपको याद हो दोस्तों, दुनिया की पहली सैंड बेस्ड जो बैटरी की जो शुरुआत है वो इन्होंने की है और वो भी उम्मीद करता हूँ आपको जरूर याद होगा। तो यहाँ पर जो है फिर उसके बाद हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है, हाँ जी तो फोर्थ क्वेश्चन जो है, हाँ जी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो है भाई यहाँ पर हमें पैनल भी जरूर लेना है क्योंकि लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो भाई यहाँ पर हमने पेन भी ले लिया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी तो दोस्तों जो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा फोर्थ एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, भारत में जो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो 28.62% है ऑफ द जो जियोलॉजिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जो रैंकिंग 106 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में और IPCC का हेडक्वार्टर रोम इटली में है।
तो ध्यान पूर्वक इसका उत्तर दें। और भाई पहले का अगर अच्छे से सेशन आपने अटेंड किया आप इजीली उत्तर देंगे। तीनों गलत लग रहे हैं दोस्तों, इनकरेक्ट, डी मतलब तीनों ही इनकरेक्ट हैं जी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले यहां पर जो है 28 नहीं 26 लगभग 26.62% है दोस्तों, ये जो हिस्सा है भारत का जो इसके अंडर आते हैं। भारत का जो रैंक है वो 146 कंट्रीज में वो 126 आया है, और इसका जो हेडक्वार्टर आईपीसीसी का वो जिनेवा में स्थित है दोस्तों, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, जहां पर और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन एंजाइम से जुड़ा है। लकासे एंजाइम जो कि रिसेंटली जनरेट किया गया बाय द ग्रुप ऑफ फंगी हैज बीन फाउंड टू डिग्रेड ऑर्गेनिक डाई मॉड्यूल्स, और ये एंजाइम फैमिली को जो है बिलोंग करता है मल्टी कॉपर ऑक्सीडेसेस। तो यहां पर दोस्तों ये दोनों जो है पॉइंट है जो इससे जुड़े हुए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। फिर छठा प्रश्न जो है वर्ल्ड स्पैरो डे से जुड़ा है, यह हर साल 18 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं और इसका थीम है इस बार आई लव स्पैरोस। तो दोस्तों इसमें करेक्ट देखें तो दूसरा बिल्कुल ठीक लग रहा है, पहला गलत, क्योंकि ये 18 नहीं दोस्तों 20 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर सातवां प्रश्न है गंडक रिवर जो है भाई वो फ्लो करता है भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में, और वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो यूपी में है दोस्तों वो गंडक रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो यहां पर इसका उत्तर देखें, उत्तर ए है, सिर्फ पहला ठीक दोस्तों। ये अगर हम बात करें ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये बिहार में दोस्तों ये वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व स्थित हैं, जो कि गंडक रिवर के ऊपर, जिसके अलग अलग नाम जो है हमने नारायणी रिवर जिसको जो है नेपाल में बोलते हैं, जिसका हमने जिक्र किया था। फिर उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन, वंश वसंती लक्ष्मी नरसिम्हारी को जो है संगीत कला निधि अवार्ड दिया गया और बॉम्बे जयश्री को नृत्य कला निधि अवार्ड दिया गया। इनमें से एक अवार्ड दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये जो अवार्ड है संगीत कला निधि है म्यूजिक के पर्पज से है, और ये नृत्य कला निधि है डांस के पर्पज से दिया जाता है। तो यहां पर देखें दोनों ही इनकरेक्ट हैं दोस्तों, बिल्कुल ऑपोजिट है। बॉम्बे जयश्री को अवार्ड मिला है संगीत कला निधि, और वसंत लक्ष्मी को जो अवार्ड मिला है वो नृत्य कला निधि अवार्ड जो है दिया गया है। तो नाम थोड़े से मुश्किल हैं, याद रखें अवार्ड भी ज्यादातर आपने नहीं सुना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण अवार्ड है और मद्रास म्यूजिक अकेडमी द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। फिर काइबल लामजो पार्क जो मेघालय में है दोस्तों, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, और इट इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्रो एंटर डियर इन और संघाई। तो यहां पर दोस्तों इसका जो उत्तर है वो भी मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरा ठीक, पहला जो है ये गलत है जी। ये नवा क्वेश्चन शायद इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं रहेगी, देख लेता हूं फिर भी बाद में मैं दोस्तों, और अगर रही हुई मतलब उसमें तो मैं कल भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। वर्ल्ड साइंड्रोम डे जो ऑब्जर्व जो किया जाता है वो 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसके बाद दोस्तों कौन से स्टेट में रिसेंटली 19 नए डिस्ट्रिक्ट जो है ऐड किए गए हैं बजट सेशन के दौरान, उन्होंने घोषणा की है, तो अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की है। इसी के साथ वहां पर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट की जो गिनती है वो 50 तक चली गई है और डिवीजन टोटल 10 हो चुकी है दोस्तों। G20 की L20 इंटरसेप्शन मीट रिसेंटली जो है पंजाब के अमृतसर में आयोजित की गई। और आज का जो आखिरी प्रश्न है, किस अफ्रीकन कंट्री में रिसेंटली 30 साल के बाद पहला पोलियो का केस जो है दोस्तों नजर आया, वो आया बुरुंडी में। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं सारा सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।